कर्मा जी हैं। वैद्य कर्मा जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी हेलो, हेलो, स्वागत है आपका। नमस्ते थैंक यू सर, नमस्ते। कैसे जी, वेलकम। हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। सर, मेरे दो तीन क्वेश्चन थे। आप फ्राइडे में जो स्ट्रीम थी साहिल भाई की, उसमें दो भाई बहन आए थे, तो आप उन्हें कुछ मोताजिला और असना शरिया के बारे में बता रहे थे। हालांकि वो उन्होंने आपकी बात को कंप्लीट नहीं होने दिया, और मैं इसलिए ये सब पूछ रही हूँ क्योंकि इंडिया में हम जैसे जुडिशरी का एग्जाम देते हैं तो उसमें मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता है, तो उसमें मोताजिला को नहीं, वो लॉ नहीं है, मतलब लॉ नहीं है। हाँ पहले आपको मतलब थोड़ा सा बता दूं, वो एक जी मूवमेंट है, एक एक आप कह लें कि एक आइडियोलॉजी आई, जिस तरह हाँ मुतजिलाइट्स, तो उसे मुतजिलाइट्स कहते हैं। लोग आए जो एक खास आइडियोलॉजी के साथ आए, जो कह रहे थे कि हमने लॉजिक के ऊपर ही हर चीज को परखना है। जी ठीक है, तो ये मुतजिलाइट्स मूवमेंट थी। सो मुतजिलाइट्स मूवमेंट लॉजिक नहीं, वो कहते थे लॉजिक को भी लेना और पढ़ाई को भी लेना, बीच की मूवमेंट थी। सॉरी, सबसे पहले आए थे अशरी, अशरीज आए थे, फिर अतरीज आए थे। ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट थे। एक कह रहे थे फिलोसॉफिकली इस्लाम को समझना है और परखना है, और एक कह रहे थे कि नहीं, फिलोसफी को बिल्कुल भी नहीं लेना। फिर एक मुतजिलाइट्स आए थे कि उन्होंने कहा था कुछ जगह पे फिलोसफी और कुछ जगह पे फिलोसफी नहीं, और हर चीज को फलसफे के जरिए नहीं लेना। जिस तरह अगर आप देखें कि इमाम तैमिया साहब ने तो सिंपल कह दिया था ना कि भाईजान, अगर आप फलसफे के ऊपर जाएंगे तो फलसफा आपको लॉजिक की तरफ लेके जाएगा, और लॉजिक आपको इल्हाद की तरफ ले जाएगी, यानी कि आपको अपोस्टेट कर देगी, आपको एथियस बना देगी। तो इस्लाम के अंदर प्रॉब्लम यह है कि लॉजिक को जब भी आप परखेंगे ना लॉजिक पे, तो भाई आपको इस्लाम जी छोड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि लॉजिक पे बैठेगा नहीं। सो दिस इज द जी जी रीजन कि ये डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स चली थी, और उन मूवमेंट्स जी की बेस के ऊपर जो है डिफरेंट आइडियोलॉजीज चली थी। सो ऑल ऑफ दी आइडियोलॉजीज एंड दिस मूवमेंट्स जो है ना, वो इस्लाम हेलो के हिस्ट्री में आती रही है। तो ये शरिया नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक मूवमेंट है कि हाँ हाउ टू अंडरस्टैंड द कुरान एंड अहदीस। ये मतलब वही आपने कहा ना, ये एक टाइप से स्कूल ऑफ थॉट था मतलब। लेकिन इंडिया में ये किताबों में पढ़ाते हैं कि इसकी ना ये थ्री ब्रांचेस हैं मुस्लिम की, जैसे सुन्नी शिया ऐसा मोताजिला है, और इसमें जो है ये सिर्फ एक ही शादी करते हैं। लेकिन इंडिया में ये है नहीं फिलहाल, इंडिया में पाकिस्तान में ये मिलते नहीं है। और जो आपने अभी बताया अशरा, उसको तो ये शिया की ब्रांच करके पढ़ाते हैं, मतलब इतना ज्यादा कोई कोर्स में है नहीं। लेकिन मैंने मुस्लिम लॉ की किताब जैसे खरीदी है, उसमें पढ़ा स्टार्टिंग में थोड़ा, तो उसमें ये अशरा को शिया की ब्रांच करके पढ़ाते हैं। आशरी इज नॉट अशराज, लेकिन आशरी चले, कोई मसला नहीं है उसको। जी आई डोंट नो कि वो टर्मिनोलॉजी आप किस तरह से ले रही हैं, तो जी आप अशरा को अशरी ना उससे ना आप लेके आ रही हो, तो दे आर डिफरेंट एंड डिफरेंट। मगर एनी हाउ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के इस्लाम के अंदर चूंकि कुरान क्लियरली आपको सब कुछ नहीं बताता, और अहादीस के अंदर भी बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं, तकरार है, कंट्रोडिक्शन है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और फिर अल्लाह के वजूद को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि अल्लाह कहते हैं ना उसके हाथ भी हैं, उसके पैर भी जी हैं, उसका चेहरा भी है, तो इसके अल्लाह के वजूद को एक्सप्लेन करने के लिए और इन तमाम चीजों के लिए फिर बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स बनी, बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेनेशंस बनी, एंड दैट्स वेयर दीज पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कम्स अप, और फिर यहाँ पे फिर जो है ना सारी मूवमेंट बनती है। तो ये इस तरीके से है। जी और एक चीज ये है कि जैसे कोई लेडी जो पैदाइशी मुस्लिम नहीं है और वो शादी के लिए इस्लाम अपना लेती है, लेकिन अगर वो वापस से इस्लाम छोड़ दे शादी के बाद, तो उसकी शादी अपने आप खत्म हो जाती है, हस्बैंड को जरूरत नहीं होती तलाक देने की? बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर वो क्रिश्चियन या यहूदी हो जाए तो खत्म नहीं होती, लेकिन अगर वो हिंदू या एथियस या एग्नोस्टिक हो जाए तो खत्म हो जाती है। अच्छा। और इसमें एक और चीज मुझे पूछनी थी कि ऐसा बोलते हैं कि जब ये पिछली सदी में पूरा कंसोलिडेशन हो रहा था मुस्लिम लॉ का, खासतौर पे इंडिया में, तो उसमें ये था कि जो शाफई और अशरिया अथना पता नहीं क्या है ये, इसमें मुस्लिम लेडी को ना जो हस्बैंड था उसकी इच्छा के विरुद्ध भी मतलब जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता था, उसको राइट था पहले, तो ये क्या बात सही है? अच्छा, एक तो आप इंडिया के लॉ की बात कर रहे हैं। अच्छा, बिफोर आई गो देयर, नोमैड 77 ने 5 memberships गिफ्ट किए हैं, तो नोमैड 77, थैंक यू सो वेरी मच, और जिन जिनको मिली है थैंक यू उनकी तरफ से भी। और हाँ, देखिए, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शरिया ऐड करना एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन शरिया तो बन चुका है मोहम्मद के ज़माने में,
और उमर जी ने इसको अपनाया और चलाया, पैक्ट ऑफ उमर बनाया। उसके बाद आपके पास चार जो मदाहिब ऑफ इस्लाम है वो चार शरिया की बेस के ऊपर ही हैं। अगर आप देखें तो फिक निकलती है और फिक की बेस के ऊपर शरा बनती है। शरा कहते हैं कानून को, फिक कहते हैं जब आप इस्लाम और हदीस को अंडरस्टैंड करते हैं और किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। तो शाफी, हम्बली, मालिकी जो है, ये सारे उनकी फिका की किताबों के ऊपर जो शरा है उसके ऊपर लिखा गया है। अच्छा, इंडिया के अंदर जो मेजरली शरिया को एक्सप्लेन किया गया था, जो कि लिखा था, वो आपका था क्या कहते हैं शरियत उसको, एक्ट, आई गेस, नहीं सॉरी, एक्ट, इस एक्ट जो होता है ना वो, वो मैं, जी जो एक्ट होता है ना उसी को समझे। एक्ट आपका नॉन इस्लामिक है, यानी वो नॉन इस्लामिक है। फतावा आलमगीरी, आलमगीर ने अच्छा 400 से जायद मुसलमान स्कॉलर्स पकड़े, कहां से? ईरान, सऊदी अरेबिया और अफगानिस्तान से, ठीक है, जी और मिस्र से। उसके जरिए उन्होंने फतावा आलमगीरी लिखवाया इंडिया की आबो हवा को देखते हुए, जी ठीक है। तो ये वो इस्लामिक कानून है, ये वो शरिया है जो कि इंडिया में चला है। जब तक इंडिया में मुसलमानों का किसी किसी एरियाज तक राज रहा है, ठीक है, मुसलमान 100% इंडिया को तो कभी भी कब्जा नहीं कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ जी एरियाज पे उन्होंने राज किया है, ठीक है। कुछ हमेशा कब्जा क्यों नहीं कर सके, क्योंकि इंडिया कभी भी सेंट्रलाइज गवर्नमेंट के अंदर नहीं था। कहा यह जाता था दिल्ली पे जिसने कब्जा कर लिया उसने तकरीबन पूरे इंडिया पे कब्जा कर लिया, लेकिन इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, हाँ, वो दिल्ली। नॉर्थ इंडिया का हाँ, तो इस वजह से जो जो फतावा आलमगीरी है ना, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये किस किस्म का कानून यहाँ पे ला रहे थे। बच गए हैं आप लोग, इसको किसी एरिया में जी अपनाया भी गया है लेकिन फिर भी बच गए हैं आप लोग। अच्छा, आज मुसलमान, इंडियन मुसलमान फतावा आलमगीरी को क्यों नहीं मानते? क्योंकि इतना जलील और कुत्ते किस्म का लॉ है वो, कि अगर वो आज इसको कह देना ये इस्लामिक है तो वो मर जाएंगे। जी लिहाजा जी ये प्रॉब्लम है, लिहाजा हमें कहते हैं जी फतावा आलमगीरी, नहीं, इसको साबित करो कुरान हदीस से। यार तुम्हारे उलमा ने, 400 से ज्यादा उलमा ने इसको लिखा है, मुझे साबित करने की जरूरत है? तुम्हें साबित करने की जरूरत है कि ये उन्होंने गलत लिखा है? मेरा काम नहीं है जी ये, तुम्हारा काम है साबित करना कि गलत लिखा है। बाय द वे, बिफोर आई गो टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी दारू जी हैं, उन्होंने 10 मेंबरशिप्स गिफ्ट किए हैं सब लोगों को। देसी दारू जी, थैंक यू सो वेरी मच। और जिन जिनको देसी दारू की तरह से मेंबरशिप मिली है, इंजॉय करें फ्री मेंबरशिप गिफ्ट। जी दीदी बोलिए। जी बस यही क्वेश्चन थे, और थैंक यू, आपने समय दिया और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही कहूंगी। और हाँ, एक बात और सर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, एडिक्टेड अरे है थैंक यू दीदी, थैंक यू सो वेरी काफी। मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, ओके सर, बाय।